ऐसा ही कुछ हाल समाजवादी पार्टी के छपासवादी भैया अखिलेश यादव का है, जो चुनाव के पहले वचन पत्र या यूं कहें झांसा पत्र जारी करते हैं, जिसमें वो वादे तो आसमान से भी बड़े करते हैं लेकिन फिर निभाते तिनका भर भी नहीं है। अब आइए हम आपको पूरे विस्तार से बताते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। युवा विरोधी अखिलेश भैया ने वादा किया है कि वह 12वीं पास युवाओं को लैपटॉप देंगे। ऐसा ही कुछ वादा 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया था और जब पारी निभाने की आई तो अखिलेश सत्ता का सुख भोगने में लग गए। 2012 से 2014 के बीच 14 लाख से अधिक लैपटॉप खरीदे लेकिन बांटे सिर्फ 6 लाख, और 8 लाख से अधिक लैपटॉप का आज तक कोई पता नहीं चला कि उन्हें धरती खा गई या आसमान निकल गया। ऐसे ही वो फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, जो सपा अपने कार्यकाल में दिन में सिर्फ 4 घंटे बिजली देती थी वो फ्री बिजली क्या देगी। इनके कार्यकाल में जनता बिजली की तारों पर कपड़े सुखाती थी क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि बिजली आएगी ही नहीं। इतना ही नहीं, यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि 2012 से 17 के बीच बिजली के रेट में 60% से अधिक बढ़ोतरी हुई थी। सपा के वचन पत्र में कहा गया है कि स्कूलों को टेबल कुर्सी से लैस किया जाएगा, लेकिन जब सपा सत्ता में थी तो 68,000 स्कूल में बेंच तक नहीं थी। सपा ने अपने वचन पत्र में वादा किया है कि वो अपराध पर नजर रखने के लिए स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो स्थापित करेगी। जब अखिलेश जी सत्ता में थे तो 93 लाख से अधिक क्राइम की घटनाएं हुई और वो आंख मूंद कर बैठे थे, जिसमें हर रोज 24 रेप और 13 मर्डर जैसी घटनाएं होती थी। सपा द्वारा वादा किया गया है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की निगरानी एवं रोकथाम के लिए वुमेन सेल का गठन किया जाएगा, लेकिन जब ये सत्ता में थे तो 161% रेप केस बढ़े और खुद इनके मंत्री बेटियों की अहिंसा के साथ खेल रहे थे। देश को शर्मसार करने वाले बदायूं जैसे कांड हुए थे लेकिन अखिलेश जी के कानों में जू तक नहीं रेंगती थी। ये तो सिर्फ सपा के झांसों की एक झलक मात्र है। इन्होंने अपने वचन पत्र में तो इतने झूठ परोसे हैं कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, लेकिन अब इनको कौन बताए कि भैया जी वो दिन गए दूर जब आप झूठे झांसे का पासा फेंक कर जनता को भरमा लेते थे। अब यूपी की जनता डबल इंजन का विकास देख चुकी है, इसलिए वो आपके झांसे में नहीं आने वाली। भैया जी आप ऐसे ही आराम करिए क्योंकि काम करने के लिए योगी जी है ना।